भी आ रहा है बेटा नारियल लेके। मंदिर में पहुंचे, यहाँ जीजा जी और ममता पहले ही आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये दान की फ्रूटी ले गया है मेरा बेटा बांटने के लिए। ये लो, एक आपकी ये लो। फ्रेंड्स, ये देखिए ममता सिसरी है जीजा जी। मैं मंदिर में पहुंच चुकी हूं और मैं आपको बता दूं कि प्रगति मैदान के जस्ट अपोजिट है ये मंदिर। काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा है, तो प्रगति मैदान आकर के आप किसी से पूछ सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। बढ़ते रहो भैया, बढ़ते रहो। दर्शन हो चुके हैं, प्रसाद चढ़ चुका है, अब है कचौड़ी टाइम। तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं कचौड़ियाँ। था तो फ्रेंड्स, हो चुके हैं दर्शन, ये तो फ्रेंड्स का चोरी टाइम भी हो चुका है। अब हम जा रहे हैं अपने अपने घर। चलो हाँ, सेठानी वहीं से। सेठानी साड़ी ला देंगे, बतेरी है सेठानी के पास। फ्रेंड, ममता से साड़ी मांग रही है वो। हाँ, अब तो कोई साड़ी पहनता ही नहीं है, तभी तो वो तेरे से मांग रही है। दीदी ने आना जो छोड़ दिया, हमारा तो कोई पेंट मांगने वाला ना मिलता। चलो अच्छा जी, आई नमस्ते, ओके बहन, बाय। छठे नंबर है खिचड़ी, मैं एकदम पतली खिचड़ी खाती हूँ, बट आज ये खा रही हूँ। और हर प्लेट पे भावेश का नाम लिखा हुआ है। हमारे यहाँ पे हर प्लेट पे लड़कों का नाम लिखाया जाता था, लड़कियों का नहीं लिखवाया जाता था। ये चीज़ आप लोगों के साथ भी होती होगी। दुरानी जेठानी आ चुकी हैं सब्जियाँ लेकर। क्या है, सरिता डस्टी मशीन सब कर देती है। फिर लाया मैं हूँ और तू तेरी माँ का नाम ले दे। पसीने वॉक करके आई है तेरी माँ, सब्जियाँ मैं लाया हूँ जाके। झूठ, तो व्लॉग क्यों नहीं बनाया फिर लाए हो तो? तुम बनाने नहीं देते मेरे को, तो मना नहीं करते। मोबाइल से तुम एक्सेप्ट नहीं करते, तुम्हारा मोबाइल तुम मुझे देते नहीं। सर, ये आपके घर के बाहर मोदी जी की फोटो। सो गाइस, आज का ब्रेकफास्ट है घिया रोटी, क्योंकि सब बीमार हैं इसलिए घिया है ना। नहीं बीमार होते तब भी घिया ही बनती है दोस्तों। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं उठ चुकी हूँ और नहा भी चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे हरिद्वार के ब्लॉग्स कैसे लगे प्लीज बताएं। और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी गंगा आरती देखी है और करी है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया।
और चलिए फ्रेंड्स आज मैंने बनाया है ब्रेकफास्ट में, ये फ्रेंड्स मैंने सब लिया क्योंकि सबकी तबीयत थोड़ी डामाडोल हो रही है। और ये दीक्षा जी के लिए बन रही है चाय, ये तो कभी मेरे पत्थर मारेगी नहीं, मैंने कहा नहीं बना दी इसके लिए चाय। और अब ये बैठ के आराम से चाय इंजॉय करेगी, माँ लगी हुई है काम। बन गई काम में, नहीं एडिटिंग करूंगी, ड्रामे नहीं, झूठ नहीं। देखा फ्रेंड, देखा इसके चिलत्तर। सैलेड डाइट चल रही है गाइस, चोरी चोरी पकड़ लिया है। गिफ्ट हो चुका है पैक बाय वन एंड ओनली भावेश गोयल। मजे वन एंड ओनली हिटलर फादर के हैं। तरुण मामा मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? क्या हमने क्या, हमने क्या मम्मी किसी के हाथ रोके आटा गूंदने से या रोटी बनाने से? मैं तो रोटी सेक रखी है फिर अंगाइयां लग रही है दादी, कैसे दिखा? अच्छा दिखाऊं? वेट फ्रेंड्स, आज खुलासा होएगा सच का। ये रही रोटी परांठे, ये रही घिया, सब कुछ है या नहीं है दोस्तों? मैंने बहुत दिनों बाद खाई है आज मैगी। मैगी खा ली, पापा ने बनवाई मेरे से तो मेरा भी मन कर गया खाने का। बस ये बड़े ही सिखाते हैं उल्टे सीधे लक्कन बच्चों को, है ना? खुद खा रहे हैं, बच्चों को क्या रोकेंगे मैगी के लिए। Yes, you're right. हम बड़ों से ही सीखते हैं। तुम माँ बेटी सुधर जाओ। क्यों? सारे बिल्ला मेरे पे मत फाड़ो। तुमने मैगी क्यों खाई? जब घर में मैं दोबारा रोटी नहीं बनाऊंगी, सुबह मैं वो घिया और रोटी खा चुका था तो मैं क्या करता? मैं चार टाइम भी खा लेती हूँ सेम सब्जी। तेरा क्या, तू 40 टाइम भी खा ले ताकि बनाना ना पड़े? हाँ। तुम्हें तो बैठ के खानी है, तुम्हारा क्या है? ऑर्डर कर देते, ये बना दे वो बना दे ये बना दे। तो खेतों में जाके कच्चा गेहूं तोड़ के खा जाए, तेरा क्या है? हाँ। तेरे को तो पिसवाने की जरूरत नहीं, ना आटा खाने की जरूरत। तो तुम क्यों नहीं खा लेते कच्चा गेहूं मेरी तरह? मजबूत दांत क्यों नहीं है तुम्हारे? मैं इंसान हूँ, बुढ़ापा आ गया इनमें, कच्चा गेहूं नहीं। बात तो सही बोली, मैं इंसान हूँ। तो क्या जानवर खाते है? खाते तो वही है। खेतों में जाके जो डायरेक्ट गेहूं खाएंगे उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कुछ नहीं, हेल्थ कॉन्शियस कहेंगे। पता नहीं कौन कौन से उनको? बीच में केमिकल लगे थे 25, मैं जरूरी वो केमिकल ना खाऊं। दीक्षा तेरा क्या कहना है तू बता, फ्रेंड्स आप बता। पापा की बात से सहमत हूँ दीक्षा। बिन फैंदी की लुटिया। और आज देख ले 5 बज गए हैं, मैंने चाय नहीं पी है सुबह से अभी तक, कल से। क्या हो गया फिर मम्मी? बना के पिला, तेरे को मैंने बना के पिलाई है ना अभी चाय दोपहर को, दोबारा पिला दो। संजय को फोन किया था, दो नए एसी दो नए कमरों में लग गए हैं, और फिर? मैंने कहा एक तरीक को मारे हैं, कह रहे आ जाओ। तो मैंने कहा फिर दीक्षा कह दी मामा रखेंगे कि नहीं, कहते मैं कौन होता हूँ रखने वाला, मैंने तो कहा ही नहीं है। वो बेचारा गरीब इनके आगे क्या बोलेगा। हाँ। दो नए एसी लगवा दिए जी, दो नए करते करते भी 25 बार पहले। और 3 तारीख को मैं सुबह निकलूंगा शादी के लिए बल्बों में, तो फिर हम एक को चलेंगे, दो को वहाँ, 3 को खाटू श्याम जी, 4 को खाटू श्याम जी से दिल्ली के लिए वापसी। ओके सो गाइज, अभी फिलहाल 16 को ट्रिप, 19 को वहां से आने के बाद जब तक ये व्लॉग डलेंगे तब तक मैं वापस आ चुकी होंगी। उसके बाद फिर हम लोग फटाफट से करेंगे जयपुर की पैकिंग। कपड़े ही कपड़े चाहिए, शॉपिंग शॉपिंग। कपड़े नहीं है यही पहन, पहले मुझे पैसे चाहिए, मैं कपड़े खरीदूंगी शॉपिंग करूंगी उसके बाद मैं अपने मायके जाऊंगी। हिटलर फादर से 20,000 महीना पॉकेट मनी बनवाई। मेरे वाइफ को पता लगे कि मेरा पति मुझे कितने प्यार से हाथों पे रख रहा है ऐसे कर करके। ओहो, नए से नए। आपका वजन कम होता तो मैं सोचती भी नई से नई ज्वेलरी पहन रही हूँ, तो इज्जत किसकी है इसमें इनकी? जो मेरे हाथ साबुत है ना, तेरे को हाथों पे नहीं उठाया, जिस दिन हाथों पे उठा लूंगा ना तो मेरे हाथ शरीर में नहीं रहेंगे। देख ये तो एक डायलॉग है, कौन उठा रहा बेचारा, झूठे से ही कह देते हैं। हाँ बीबी प्यार से मैं तेरे को उठा लूंगा, तेरे को उठाने वाला उठ जाएगा, रहने दो। मेरे मायके में तुम्हारी वैल्यू बढ़वा रही हूँ एक तो मैं, बस तुम्हें खर्चा ना करना पड़े, तुम्हारी साबित चिड़चिड़ शुरू हो जाती है पहले ही। कोई भी हस्बैंड अपनी बीवी पे खर्चा नहीं करना चाहता, कहता है जो बच जाए बचा लो। ऐसे नहीं है, बतेरे हस्बैंड को मैंने अभी देखा, मैं दिशा को कपड़े दिलाने गई, पता ट्रायल रूम के बाहर खड़े हो गए, सजेस्ट कर रहे हैं बीवी को ये नहीं ये ड्रेस ला ला के दे रहे हैं। खाना खाना है ना घर में, मजबूरी होती है कईयों की। क्या मजबूरी होती है और तुम्हारी क्यों नहीं है वो मजबूरी? मेरी 26 साल पुरानी होगी इसलिए मजबूरी नहीं है, जिनकी नई नई है उनकी मजबूरी। ये भी बात ठीक है वैसे तो।
और ये नहीं पता ये 26 साल वाली शादी टिकी हुई है और यही काम आएगी बुढ़ापे में। धी जमैया ले गए और बहू ने ले लिए पूत, हम तो रह गए ऊत के ऊत। ये सोचो बात तो कोई ना रखे वैसे भी। हाँ ना पियर वाले रखे ना कोई ना रखे। अरे तुम्हें को, तुम्हें तो तुझे भी पता है। नहीं नहीं अब तो तुझे भी पता है, अब तो गुजारा यही है। फ्रेंड मैं तो अपने बलबूते पे रहती हूँ, आप ये बताओ 26 साल बाद इनको कौन मिलेगी इनकी सेवा के लिए। ये फ्री में मैं मिली हुई हूँ सेवा करने के लिए, सेवा करवाने के लिए। करने के लिए तुम जैसे लोग सेवा करोगे। सबको पता है किचन में कैसे पीता हूँ मैं। रहने दो तुम किचन में, जाके कलछी पकड़ लेते मेरा मेरा खाना और जल जाता इस चक्कर में पकाते पकाते कलछी। ये मैं आपके साथ हूँ इस बात। मेरे कपड़े देख के कोई कह सकता तू किचन में गई होगी कभी, तेरे को पता किचन है किस तरफ। यही तो लक्षिता की कुर्तियों का कमाल है, यही तो गट्स है मेरे के अंदर कि घटिया से घटिया कुर्तियां भी रॉयल बन जाती हैं। चल तू ये बता किचन है किधर। येरी किचन है किधर। किचन का रास्ता नहीं पता, खड़े होकर के एक ही कीट लगवाई इस मकान की, मुझे नहीं पता होगी किचन कहाँ है। खाने में क्या है आज। अच्छा शाही पनीर है और मैंने परांठे सेक के रखे थे। चूचू मत करियो कि मुझे गरम रोटी चाहिए, मेरे को वॉक के लिए जाना है। परांठे सेक दिए दे दो फिर, कम से कम 4 परांठे खाऊंगी आज शाही पनीर से। आज पता है मेरा वेट कितना कम आया है। चंचल दी हमें बोल रही थी 2 किलो 2 किलो, उन्होंने मुझे एक टारगेट दिया था कि मंडे को तेरा इतना इतना होना चाहिए, उससे भी कम। 68.9 का उन्होंने मुझे शायद टारगेट दिया या 68.7 का, मेरा आया 68.3। तो आज 4 परांठे खाऊंगी। गुल्ला चोट लग गई बाबू के। ये दाढ़ी कैसे बना ली तूने गुल्ला, ये दाढ़ी कैसे बना ली। चोट लग गई। खाई खाना। चलो आओ खाना खाएं। ताई को भी खिला दो। ना ना मैं खाया। ताई खा लो। ना भाई भाई गो खाली पेट। आ जा गो, आप खाना खाएं। गुल्ला आप डिनर करेंगे। मेरे गुल्ला गो पानी बटर दिया क्या नानी ने, पड़ेगा रील दिखाऊंगी फिर। चाचू ने कोला चंदू में निकली एक बंदू, चाचू डर गए। अभी माँ से लेके आने ने भाभी से इसको गुल्लू को। अच्छा बनता भाड़ में जाए जनता, पनीर पाड़ा और भाग लिए। तुम बेटा बहुत, कौन सी गाली दूँ बस। हाँ बाय, पनीर खाया निकल लिए ऊपर से बाय। वाह सही है भाई सही है, जाओ जाओ हमें भी नहीं चाहिए बाय, निकलो हम तुम्हारी हाई के लिए मर थोड़ी रहे बाय।